आज हम लोग लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन शुरू करेंगे। लोकपाल और लोकायुक्त को इस संदर्भ में हम यहाँ चर्चा करना चाहते हैं कि इससे पहले जो करप्शन के अगेंस्ट जो भारत में जो संस्थाओं का विकास किया गया या जो भारत में जो विभिन्न संस्थाओं के द्वारा जो करप्शन के अगेंस्ट जो कार्यवाही या गतिविधियां की गई उनको हमने देखा है। अब एक भारत में एक बहुत ही चर्चित संस्था है लोकपाल और लोकायुक्त। तो लोकपाल जो है ये राष्ट्रीय स्तर की एक संस्था है और लोकायुक्त जो है ये राज्य स्तर की संस्था है। लेकिन इनका विकास कैसे हुआ, हाउ इट डेवलप, वर्तमान में लोकपाल और लोकपाल कौन है हमारे देश में और लोकपाल का जो कंपोजिशन है उसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी हमारे लिए जरूरी है। और इसके अलावा हमारे लिए ये जानना भी जरूरी है कि लोकपाल क्या काम करती है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, ये रिपोर्ट किसको देते हैं, और साथ ही साथ जो लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2013 जो आया है उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, इन सभी बातों को लेकर के इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तो ये एक विस्तृत टॉपिक है जिसमें हम पहले बात करेंगे लोकपाल के ऊपर। और लोकपाल में आज हम चर्चा कर रहे हैं आपसे कि लोकपाल का विकास कैसे हुआ, भारत में ये संस्था कैसे चर्चा में आई और कैसे ये गठित हुई, और साथ ही साथ ऐसी क्या परिस्थितियां थी जिसके कारण लोकपाल का होना भारत में जरूरी हो गया। और साथ ही साथ यहां पर हम ये भी आपको बताएंगे आज की क्लास में कि लोकपाल की जो संस्था है, लोकपाल की जो एजेंसी है, उसमें वर्तमान में कौन कौन लोग हैं, यानी उनके नाम अगर अपन जान जाएंगे तो इस संस्था के प्रति हमारी जागरूकता अवेयरनेस और बढ़ जाएगी और याद रखने में मदद मिलेगी। और इससे अगली क्लास में हम आपसे चर्चा करेंगे कि लोकपाल का अपॉइंटमेंट किस तरह से होता है, इसके मेंबर्स कैसे अपॉइंट किए जाते हैं, उनको क्या क्या जुडिशियल पावर दिए गए हैं, किस तरह से वो कार्य करते हैं, इनके ऊपर भी अलग से चर्चा करेंगे। तो पहले देखिए कि लोकपाल जो है, लोकपाल शब्द का मतलब क्या है। तो लोकपाल शब्द का एक सामान्य अर्थ होता है डिफेंडर ऑफ पीपल और पीपुल्स फ्रेंड, यानी कि वो संस्था या वो व्यक्ति जो लोगों को डिफेंड करे, यानी लोगों को बचाए, और पीपल्स फ्रेंड या फिर लोगों का दोस्त हो तो उसे लोकपाल कहते हैं। तो ऐसे ये शब्द जो है आया, मतलब लोकपाल शब्द जो है इस तरह से भारत में प्रचलित हुआ। लेकिन अब आप सोचेंगे कि ये लोकपाल शब्द मूल रूप से क्या भारत का ही है, तो देखिए ये जो शब्द है ये तो भारतीय है, लेकिन इस तरह की जो संस्था है, सच टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन फर्स्टली डेवलप्ड कहां पर विकसित हुआ, तो सबसे पहले इस तरह की संस्था विकसित हुई स्वीडन में। और उस समय उसे लोकपाल नहीं कहते थे, वो कहते थे ओम्बुड्समान। क्या कहते थे? ओम्बुड्समान कहते थे। तो ये जो संस्था है ओम्बुड्समान, ये बहुत पुरानी है, 1809 में ये स्वीडन में विकसित हो चुकी थी। और इसके अलावा न्यूजीलैंड में जाकर के देखिए ये संस्था विकसित हुई 1962 में, 1962 में नॉर्वे में डेवलप हुई 1962 में, ब्रिटेन में विकसित हुई 1967 में, और इसी क्रम में इंडिया में जाकर के 1960 में लोकपाल के ऊपर ओम्बुड्समान शब्द तो आ गया था भारत में कि भाई ऐसी संस्था होनी चाहिए, लेकिन इसको थोड़ा परिवर्तित करने की बात की जाने लगी। तो 1960 में पहली बार एक हमारे लॉ मिनिस्टर थे उस समय अशोक कुमार सेन, इन्होंने पार्लियामेंट में एक ऐसी संस्था गठित किए जाने के बारे में बात रखी। तो भारत में पहली बार यह चर्चा में आया ओम्बुड्समान, यानी कि भारत के संदर्भ में बोलेंगे लोकपाल, यह चर्चा में आया 1960 में, अशोक कुमार सेन जो उस समय लॉ मिनिस्टर थे उन्होंने ये बात रखी। अब यहां पर देखते हैं कि ये वास्तव में ये लोकपाल शब्द कहां से आया। तो बाद में, यानी इस समय लोकपाल शब्द प्रचलन में नहीं था, ओम्बुड्समान को ही परिवर्तित रूप में 1963 में लक्ष्मी मल सिंघवी, एल एम सिंघवी महोदय ने ओम्बुड्समान के लिए भारतीय संदर्भ में लोकपाल शब्द को जो है जनरेट किया। यानी कि इन 1963 लक्ष्मी मल सिंघवी गेव द टर्म लोकपाल इन प्लेस ऑफ ओम्बुड्समान। तो
ओम्बुड्समान जो वर्ड है ये वर्ड बेसिकली प्रचलन में था स्वीडन में, और ये इतना ज्यादा करप्शन के अगेंस्ट इनकी जो भूमिका थी इतनी ज्यादा प्रभावशाली हुई कि ये पूरे विश्व में धीरे धीरे फेमस हो गया। और खासकर आप देखिए जैसे न्यूजीलैंड है, नॉर्वे है, ये वो देश है जहां पर करप्शन का लेवल बहुत कम पाया गया है। तो इसीलिए भारत में भी इसकी चर्चा शुरू हुई, और भारत में पहली बार इसकी चर्चा हुई 1960 में। 1963 में लक्ष्मीपाल सिंघवी महोदय ने इसके लिए टर्म गढ़ा लोकपाल, और धीरे धीरे ये आगे बढ़ने लगा। अगर भारत में विकास की बात करेंगे कि कैसे ये शब्द आगे बढ़ा, तो देखिए भारत में 1966 में 1966 में ये तो आप जानते होंगे कि 1966 से 1970 के बीच एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन का गठन किया गया, यानी कि प्रशासनिक सुधार आयोग। ये प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग था जिसने अपनी रिपोर्ट 1966 से लेकर 1970 के बीच दी। अब इस रिपोर्ट में जो एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट थी उसमें था प्रशासनिक सुधार के बारे में कि भाई हमारे देश में भ्रष्टाचार करप्शन जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो एक संस्था क्यों ना बनाई जाए। वो संस्था जो है उस संस्था को उन्होंने बोला लोकपाल और लोकायुक्त। तो इस तरह से ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्था के गठित किए जाने की बात कही गई, और इस रिपोर्ट में कहा गया कि लोकपाल का जो गठन होगा वो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर होगा। द लोकपाल विल बी फॉर्म्ड एट नेशनल लेवल एंड द लोकायुक्त विल बी फॉर्म्ड एट स्टेट लेवल। तो ऐसे कंसेप्ट ये डेवलप हो गया लोकपाल और लोकायुक्त को। लेकिन लोकपाल और लोकायुक्त की विचारधारा बहुत अच्छी थी। भारत में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए और भी संस्थाएं थी, जैसे अभी पिछले कुछ क्लासेज में हमने आपको सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में बताया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में आप जानते ही हैं, सीबीआई, सीबीसी है ना, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 भी है। तो ऐसी बहुत सी संस्थाएं भारत में अभी भी हैं और उस समय भी थी। तो लेकिन उस सबके बावजूद भी ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की आवश्यकता महसूस की जाने लगी, उस पर बात करेंगे हम बाद में। लेकिन फिलहाल देखिए कि 1968 में 1968 में पहली बार लोकसभा में यह विधेयक लाया गया, लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक। अगर पूछेंगे पहली बार कब लाया गया, तो 1968 में पहली बार यह विधेयक लोकसभा में लाया गया, लेकिन यह पारित नहीं हो सका। वो हर बार अलग अलग कारणों से, कभी लोकसभा विघटित हो गया तो नहीं पास हो पाया, राज्यसभा में पारित हुआ तो लोकसभा में पारित नहीं हो पाया, तो कभी अलग अलग कारणों से लगभग 8 बार अलग अलग कारणों से यह विधेयक लाया गया और विघटित हो गया। तो लोकपाल विधेयक जो है ये धीरे धीरे ये हालत हो गई कि कोई भी सरकार इस विधेयक को लाने से कतराने लगी, क्योंकि ये भी एक इसके पीछे एक किंवदंती बन गई कि जब भी ये लोकपाल लोकायुक्त विधेयक आया तो कुछ समय के बाद वो सरकारें ही गिर गई या वो सरकार का पतन हो गया। तो बहुत सी सरकारें बाद में जो है ये जो विधेयक को लाने में कतराने भी लगी। अब ये इसमें कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं, लेकिन याद रखने के लिए आप ये समझिए कि 1968 में पहली बार ये विधेयक लाया गया, और उसके बाद ये जो है 2011 तक अप टू 2011 ये 8 बार लाया गया। और जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाला ये जो मूवमेंट हुआ अन्ना हजारे महोदय का, अन्ना हजारे जी का एक बहुत बड़ा मूवमेंट था 2011 में, और इस मूवमेंट के कारण भारत सरकार, तत्कालीन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, उस पर बहुत गहरा दबाव पड़ा, और इसके लिए उनको तैयार होना पड़ा कि अब हमें लोकपाल लोकायुक्त को बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक तो भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुंच गया था, तो सरकार के ऊपर बहुत दबाव था, जनता जो है पूरे देश में आंदोलित थी, एकदम एक्टिवेटेड थी करप्शन के अगेंस्ट लड़ाई लड़ने में, एकदम सोसाइटी, सोशल मीडिया, मीडिया सब कुछ करप्शन के अगेंस्ट तैयार हो गया था। तो भारत सरकार के लिए एक मजबूरी थी कि एक मजबूत एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन देश में होना चाहिए, जबकि ऑलरेडी हमारे पास
ऑलरेडी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन थी, ऑलरेडी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन था, हर एक डिपार्टमेंट में जो है चीफ विजिलेंस ऑफिसर काम कर ही रही थे। इसके अलावा हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑलरेडी एक कानून, बहुत मजबूत कानून हमने बना रखा था। उन सबके बावजूद भी लोगों की एक इच्छा थी कि इन सब चीजों से करप्शन पर जैसे निगरानी होनी चाहिए, उस पर रुकावट होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। तो एक मजबूत संस्था हमारे राष्ट्रीय स्तर पर लोकपाल और राज्य स्तर पर लोकायुक्त होना चाहिए। तो इस मूवमेंट का दबाव जो है वो बढ़ता चला गया। अब जाके क्या हुआ, तो अल्टीमेटली देखिए एक विधेयक लाया गया जिसका नाम था लोकपाल लोकायुक्त बिल 2013। द लोकपाल लोकायुक्त बिल 2013 वाज ब्रॉट एंड धीरे धीरे ये पारित होने में भी काफी समय लगा एंड इट केम इनटू फोर्स ऑन 16 जनवरी 2014। 1 जनवरी 2014 को इस पर गवर्नमेंट ने, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए और 16 जनवरी 2014 ऑन 16 जनवरी 2014 दिस वाज एफेक्टेड, यानी कि ये प्रभाव में आ गया। तो इस तरह से जो है लोकपाल लोकायुक्त विधेयक का पारित होना संभव हुआ। तो ये कहानी आपकी समझ में आ गया। क्या बताया हमने कि भाई देखिए लोकपाल जो संस्था है, लोकपाल लोकायुक्त संस्था, इसकी अवधारणा विकसित हुई स्वीडन में, लेकिन वहां पर ये लोकपाल नाम से जानी नहीं जाती थी। क्या बोलते थे उसको? ओम्बुड्समान बोलते थे। लोकपाल जो शब्द है, ये शब्द का प्रचलन किया था लक्ष्मीमल सिंघवी जी ने। पहली बार भारत में लोकपाल जैसी कोई संस्था होनी चाहिए, ये संसद में बात उठाई थी अशोक कुमार सेन जी ने। इसके अलावा 1968 में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के रिकमेंडेशन पर पहली बार संसद में ये विधेयक, यानी लोकपाल लोकायुक्त विधेयक लाया गया। ये पारित नहीं हो सका और कई सालों तक ये ऐसे ही चलता रहा। अल्टीमेटली 2011 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के मूवमेंट के दबाव के बाद भारत सरकार की मजबूरी हो गई कि इस तरह की एक संस्था बनाई जाए और ये अंततः 16 जनवरी 2014 को लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक लागू हुआ। अब इसके बारे में बहुत सारी जानकारियां आपको दी जाएंगी, लेकिन यहां पर हम सीधे आपको ये बता देते हैं कि अभी जो लोकपाल, आप देखिए 2014 में ऑलरेडी ये लागू हुआ, तो लागू होने का मतलब क्या होता है कि लोकपाल का गठन हो जाना चाहिए था, यानी एक लोकपाल की नियुक्ति हो जानी चाहिए थी। लोकपाल एक तो लोकपाल होंगे और लोकपाल के साथ 8 सदस्य होंगे, 8 members, उसमें आधे मेंबर रहेंगे जुडिशियल और आधे रहेंगे नॉन जुडिशियल। ये सब जब हम आपसे डिस्कस करेंगे, ये लोकपाल लोकायुक्त विधेयक 2013, तो उसमें हम सब आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन वो हम आगे की एक क्लास में आपसे चर्चा करेंगे। तो इसीलिए आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां, लगभग 100 से भी ज्यादा वीडियो आपके पास मौजूद है और आने वाले कुछ महीनों में आपके पास सैकड़ों की संख्या में महत्वपूर्ण वीडियो और क्लासेज उपलब्ध होंगे। तो अगर आप इसे सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ये जानकारी आप तक जो है लगातार पहुंच नहीं पाएगी। तो इसीलिए इसे सब्सक्राइब कीजिए और उस पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो सोच है, इसको आगे बढ़ाने में आप हमारा सहयोग भी कीजिए और इससे फायदा भी उठाइए। तो यहाँ पर मैं यही चीज आपको कहना चाह रहा हूँ कि देखिए 2014 में ये अल्टीमेटली ये आ भी गया, लेकिन उसके बाद भी विधेयक के लागू होने के बाद भी आगे काम ही नहीं बढ़ा। जो नई सरकार गठित हुई उस समय एनडीए की सरकार बनी और नरेंद्र मोदी जी जो है उस चुनाव के बाद, यानी कि मई 2014 में प्रधानमंत्री बने, लेकिन इमीडिएट ये हो जाना चाहिए था, लोकपाल का गठन हो जाना चाहिए था, लोकपाल की नियुक्ति हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लगभग 4 सालों के इंतजार के बाद फिर जब अगले चुनाव की बारी हुई तो कुछ गर्माहट बढ़ी, सुगबुगाहट बढ़ी और देखिए लोकपाल एजेंसी का जो है फॉर्मेशन हुआ। कब हुआ? 19 मार्च 2019 को जाके, यानी कि लगभग 4 साल से भी ज्यादा लग गए, मतलब विधेयक के पारित होने के बाद
चार साल से भी ज्यादा लगे, लेकिन वो एक पॉलिटिकल मैटर है। हमें तो यहाँ जानकारी से मतलब है कि आखिर ये लोकपाल एजेंसी जब ये बन गई तो इसमें क्या हुआ। तो जैसा कि मैंने बताया कि आगे हम आपको विस्तृत रूप से बताएंगे लोकपाल के बारे में, इसका गठन कैसे होता है, उनके टर्म एंड कंडीशंस क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या है, वो एक विस्तृत आपको टॉपिक बताया जाएगा। फिलहाल आप अवेयरनेस के हिसाब से देखिए कि जब लोकपाल एजेंसी का गठन हुआ अल्टीमेटली 19 मार्च 2019 को, तो फिर प्रक्रिया शुरू हुई। तो देखिए इसका एक मोटो होता है, लोकपाल का एक मोटो, एक उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? मां गृधः कस्य सिद्धिनम, मां गृधः कस्य सिद्धिनम। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब होता है किसी के धन का लोभ मत करो, किसी के धन का लोभ मत करो। ये एक मोटो है इनका, हर एक संस्था का, ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा मोटो रहता है। इसका मोटो आप कई बार निबंध वगैरह लिखने में भी आ जाता है, जब भ्रष्टाचार के खिलाफ निबंध वगैरह लिखना हो वहां भी आप कोट कर सकते हैं कि लोकपाल एजेंसी का ये जो मोटो है ये ईसोप निषद से, उपनिषद में एक महत्वपूर्ण उपनिषद है, हिस्ट्री में पढ़े होंगे, ईसोप निषद से लिया गया है, मां गृधः कस्य सिद्धिनम। अब देखिए थोड़ी जानकारी यहां पर दे देते हैं कि अभी जो लोकपाल एजेंसी है हमारे देश में उसके प्रमुख कौन है। तो इसके प्रमुख हैं ये पिनाकी चंद्र घोष जी, चेयरपर्सन है, रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं ये, रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि लोकपाल कौन बन सकते हैं? या तो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे या फिर रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे, तो वही लोकपाल बन सकते हैं। तो यहां पर लोकपाल जो है पिनाकी चंद्र घोष जी को बनाया गया है। इसके अलावा देखिए हमने अभी आपको बताया कि लोकपाल के अंदर दो तरह के मेंबर होते हैं, कुछ मेंबर होते हैं जो जुडिशियल मेंबर होते हैं और कुछ जो होते हैं वो नॉन जुडिशियल मेंबर होते हैं। तो जुडिशियल मेंबर जनरली जो है वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हो सकते हैं या फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो सकते हैं, तो वो जुडिशियल मेंबर बन सकते हैं। और जो नॉन जुडिशियल मेंबर होते हैं वो प्रशासन, बैंकिंग, इंश्योरेंस और इन सब सेक्टर से जो प्रशासनिक क्षेत्र के अलग अलग फील्ड हैं उनके उस क्षेत्र में बहुत लंबा अनुभव रखने वाले, यानी लगभग 25 साल का अनुभव रखने वाले जो लोग होते हैं 25 साल या इससे ज्यादा का, उनको जो है नॉन जुडिशियल मेंबर के रूप में रखा जाता है। लेकिन उसके ऊपर आपसे अलग से विस्तृत चर्चा होगी। फिलहाल आपने ये नाम देख लिया कि लोकपाल हमारे वर्तमान में पिनाकी चंद्र घोष। इसके अलावा देखिए जुडिशियल मेंबर में आते हैं दिलीप बाबा साहब भोसले, ये एक जुडिशियल मेंबर हैं। प्रदीप कुमार मोहंती, ये भी जुडिशियल मेंबर हैं। अभिलाषा कुमारी, ये जुडिशियल मेंबर हैं। और एक जो जुडिशियल मेंबर की पोस्ट है वो वर्तमान में खाली है। तो आप इसके ऊपर थोड़ा अवेयर रहिए कि अगर इस पोस्ट पे कोई नियुक्ति की गई है तो आप उसे इंक्लूड कर सकते हैं। ये वैकेंट किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये वैकेंट से मतलब है खाली। ठीक, ये तो हो गए अपने जो जुडिशियल मेंबर्स हैं। और वो नॉन जुडिशियल मेंबर्स में कौन कौन है? तो देखिए एक है दिनेश जैन साहब, एक है अर्चना राम सुंदरम, अर्चना राम सुंदरम ये नॉन जुडिशियल मेंबर हैं। इसके अलावा महेंद्र सिंह जो है ये एक नॉन जुडिशियल मेंबर है। और डॉक्टर इंद्रजीत प्रसाद गौतम ये नॉन जुडिशियल मेंबर है। तो अब इतनी बात तो आपको समझ में आ गया कि लोकपाल का जो कॉन्सेप्ट हमारे देश में आया वो कहां से आया। नंबर टू, लोकपाल का डेवलपमेंट करने के लिए लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक कितने सालों तक अटका रहा। फिर अल्टीमेटली लोकपाल लोकायुक्त विधेयक जब पारित हुआ तो 16 जनवरी 2014 को वो फोर्स में आया, यानी कि लागू किया गया। लागू होने के बाद भी 4 साल के लगभग इंतजार के बाद, 4 या 5 सालों के इंतजार के बाद ये लोकपाल जो संस्था है ये व्यवहारिक रूप से गठित हुआ। और वर्तमान में जो लोकपाल हैं वो पिनाकी चंद्र घोष हैं, वो भी आपको बता दिया। जो जुडिशियल मेंबर हैं वो 4 हैं जबकि एक अभी खाली है, और नॉन जुडिशियल मेंबर भी 4 हैं, वो भी आपको बताया। इसके अलावा एक सेक्रेटरी होते हैं जो कि ब्रिज कुमार अग्रवाल हैं, ये आईएएस लेवल के ऑफिसर होते हैं, आईएएस होते हैं या आईएएस से ऊपर के अधिकारी।
यानी कि जो प्रमोट हो जाते हैं आईएएस, तो सेक्रेटरी जो लेवल के अधिकारी होते हैं उनमें से एक अधिकारी को इसका जो है सेक्रेटरी के रूप में काम करने का मौका मिलता है। तो इस तरह से लोकपाल संस्था जो है हमारे देश में विकसित हुई। अब कई बार लोग पूछते हैं कि भाई हमारे देश में तो ऑलरेडी इतनी सारी संस्थाएं है ना, ऑलरेडी लोकपाल, लोकपाल से पहले हमारे देश में सीबीसी है, सीबीआई है ना, हर एक बहुत से राज्यों में लोकायुक्त भी पहले से ही मौजूद है, तो फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो देखिए, इसलिए जरूरत पड़ी है लोकपाल की, क्योंकि लोकपाल जो है ये बहुत चर्चित संस्था बन गई थी पूरे विश्व में, उन देशों में जहां लोकपाल और लोकायुक्त यानी खासकर ओम्बुड्समान या लोकपाल जैसी संस्थाएं थी वहां पर करप्शन का लेवल कम था। तो ये हमारे मन में एक विचार था कि अगर पूरे देश का एक लोकपाल हो और हर एक राज्य में करप्शन को रोकने के लिए एक लोकायुक्त हो तो शायद करप्शन पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी, क्योंकि बाकी संस्थाएं जो थी उनको लेकर के कुछ जितना भरोसा और विश्वास लोगों को होना चाहिए था वो नहीं कायम हो पा रहा था। तो इसीलिए लोकपाल और लोकायुक्त की जो मांग है, ये जनता की जो डिमांड थी, ये बढ़ती चली गई। तो यहां पर मैंने इसीलिए यहां लिखा है इसकी डेफिनेशन में, लोकपाल की डेफिनेशन में, लोकपाल इज एन एंटी करप्शन अथॉरिटी और बॉडी ऑफ ओम्बुड्समान। ओम्बुड्समान जो है ये करप्शन और जनता की शिकायत यानी ग्रीवेंस ऑफ द पब्लिक दोनों चीजों पर ध्यान देता है। तो हमने यहां कहा कि लोकपाल इज एन एंटी करप्शन अथॉरिटी, एक एंटी करप्शन अथॉरिटी है, और बॉडी ऑफ ओम्बुड्समान हु रिप्रेजेंट्स द पब्लिक इंटरेस्ट इन रिपब्लिक ऑफ इंडिया, जो वास्तव में जनता का जो इंटरेस्ट है, जनता की जो रुचि है, खासकर करप्शन के एंटी करप्शन को करप्शन को रोकने को लेकर उस इंटरेस्ट को ही प्रदर्शित करता है। कौन प्रदर्शित करता है? तो लोकपाल। तो इस कारण से भारत में जनता की मांग को देखते हुए, जनता की रुचि को देखते हुए, जन आंदोलन को देखते हुए लोकपाल की आवश्यकता महसूस की गई। जनता की आवश्यकता के पीछे, इन सब आवश्यकताओं के पीछे और भी कुछ कारण आप बता सकते हैं। जैसे देखिए, एक कारण हम यहां पर लिख रहे हैं, मल एडमिनिस्ट्रेशन। मल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या हुआ कि भाई जहां पर करप्शन होगा तो वहां तो आप एडमिनिस्ट्रेशन की उम्मीद ही नहीं कर सकते ना। करप्शन इज द रूट कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम, यानी कुप्रशासन मतलब क्या हुआ, मल एडमिनिस्ट्रेशन यानी अच्छा प्रशासन नहीं हो रहा है। जनता को जो सेवाएं समय पर मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही है। जनता का पैसा जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर जो है ग्रैंड करप्शन के माध्यम से नुकसान हो रहा है। जनता का पैसा जो है वो बड़ी मात्रा में जो है वो जहां पर खजाने को भरने में इस्तेमाल होना चाहिए उसका जो है गलत तरीके से उपयोग हो रहा है। अगर कहीं सड़क बन रहा है, कहीं ब्रिज बन रहा है, कहीं पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है तो काम हो रहा है 50 पैसे का और खर्च दिखाया जा रहा है 1 रुपए। मतलब यह है कि बड़ी मात्रा में जो भारत के लोगों की गाढ़ी मेहनत की कमाई है उसका दुरुपयोग हो रहा है। लोग छोटे छोटे कामों के लिए अपने जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र या कोई भी काम, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए या ऐसे बहुत तरह के काम होते हैं जो प्रशासन से लोगों को जरूरत पड़ती है, वहां पर लोगों को पैसा देना पड़ रहा है। तो क्या हो गया? मल एडमिनिस्ट्रेशन। तो अधिकारियों के ऊपर एक और निगरानी एजेंसी हो, इसलिए लोकपाल की जरूरत महसूस होगी। अब फिर यहां प्रश्न होता है, तो फिर सीबीआई भी तो है, सीबीसी भी तो है, हर एक डिपार्टमेंट में जो है सीबीओ भी तो है, चीफ विजिलेंस ऑफिसर भी तो है, फिर हमारे पास और भी तो तंत्र है, बहुत सारे मीडिया है, सोशल मीडिया है, सिविल सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी है, बहुत सी चीजें हैं। तो फिर उनका क्या रोल रहा? भाई वो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन एक मशीनरी, मजबूत मशीनरी का होना यह भी जरूरी है कि अगर मान लीजिए, जैसे देखिए अगले पॉइंट में बताया, मोस्ट ऑफ द एंटी करप्शन एजेंसीज आर हार्डली इंडिपेंडेंट, इवन सीबीआई is termed as the caged parrot. अब ये सब समस्या आ रही थी 2009, 10, 11, ये समय वो था जब करप्शन अपने चरम पर चला गया था भारत में, है ना। और सीबीआई का मैंने आपको अभी पिछली क्लास में ही शायद बताया था कि जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के गठन के पीछे सुप्रीम कोर्ट ने ये कारण बताया था कि सीबीआई स्वतंत्र होकर काम नहीं कर पा रही है, उसे और जो आरोप भी देखिए लगे, caged parrot यानी कि एक पिंजरे में बंद जो है
तोते की तरह है, सीबीआई जो है पिंजरे में बंद तोते की तरह है, सीबीआई अपना फ्रीडम के साथ काम ही नहीं कर पाती, ये भारत सरकार के एक एक्स्ट्रा हैंड के रूप में काम करती है। तो इसीलिए जनता का विश्वास कम हो रहा था, तो इसीलिए कहा गया कि नहीं, इनकी निगरानी के लिए भी और इनको सपोर्ट करने के लिए भी एक अतिरिक्त संस्था आप बनाइए और वो लोकपाल और लोकायुक्त के रूप में हो सकता है, तो इसलिए भी जरूरत महसूस की गई। और एक बात देखिए, मेनी एजेंसीज आर एडवाइजरी बॉडीज विदाउट एनी इफेक्टिव पावर्स एंड देयर एडवाइस रेयरली फॉलोड। अब ठीक है, संस्थाएं बना ली, सीबीसी बना लिया, सीबीआई बना लिया, अब सीबीआई स्वतंत्रता पूर्वक काम नहीं कर पा रही, सीबीसी जो रिपोर्ट दे रहे हैं उस रिपोर्ट को आप फॉलो नहीं कर पा रहे, यानी सरकारें मान ही नहीं रही है, क्योंकि ज्यादातर जो ये संस्थाएं काम करती हैं उसमें सरकार की एजेंसीज और अधिकारी तो इन्वॉल्व रहते हैं भ्रष्टाचार में, तो कई बार सरकारें जो है उनकी कमियों को छुपाने के लिए और अपनी बदनामी को बचाने के लिए इनकी रिपोर्ट को लागू भी नहीं करते और एडवाइस को मानते ही नहीं है, तो फिर इनको ताकत कहां से मिलेगी इन संस्थाओं को, क्योंकि ये ठीक से काम नहीं कर पा रहे, इनकी रिपोर्ट को सरकारें लागू नहीं कर रही है, तो इसीलिए जो ये जो एडवाइजरी बॉडी के रूप में ही केवल रह जाती है, इनके एडवाइस एडवाइजरी बॉडी है लेकिन एडवाइजरी बॉडी होने के बावजूद भी एडवाइस माना ही नहीं जाता है, तो इनको कौन देखेगा, तो इसलिए एक लोकपाल जैसी संस्था या राज्यों में लोकायुक्त जैसी संस्था जो इन सब संस्थाओं को भी मदद कर सके, यानी कि लोकपाल अब जैसे सीबीआई है, सीबीसी है, बहुत सारे जब डिटेल में आपको बताएंगे तो वहां आपको बताया जाएगा कि इसके जो ज्यूरिसडिक्शन है लोकपाल लोकायुक्त का उसमें ये भी संस्थाएं आती है, कि कई बार कंप्लेन जो है लोकपाल के पास आता है और लोकपाल क्या करती है उन संस्थाओं के वो जो शिकायत है, वो जो कंप्लेन है, उस कंप्लेन को प्राइमरी इंक्वायरी के लिए सीबीसी के पास या सीबीआई के पास भेज देती है कि आप इसकी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन करके, प्राइमरी इंक्वायरी करके आप हमको भेजिए, बताइए कि क्या चल रहा है, कि वास्तव में ये किस तरह का मामला है, और कई बार होता है कि प्राइमरी इंक्वायरी से ही भ्रष्टाचार की बहुत सारे पोल जो है खुल जाते हैं, तो इसीलिए ये जो संस्था लोकपाल लोकायुक्त बनाया गया है उसको ये ध्यान में रख के भी बनाया गया है कि ये जो हमारे पास पहले से मौजूद संस्थाएं हैं उनको और ताकतवर बनाने में मदद मिलेगी। ऑन प्रॉब्लम ऑफ द इंटरनल ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी टू पुट चेक्स ऑन दीज एजेंसीज, और अब ये जो संस्थाएं ताकतवर संस्थाएं बन जाती हैं जैसे सीबीसी है, सीबीआई है और भी कई संस्थाएं हैं, तो बहुत ताकतवर संस्थाएं, तो इनका इंटरनल ट्रांसपेरेंसी भी कई बार जो है गड़बड़ हो जाता है, यानी आपस में जो इनकी अकाउंटेबिलिटी रहती है, इनकी जो जवाब देता है वो कमजोर पड़ जाती है कई बार, क्यों, क्योंकि कई बार जो सरकार का जो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है वो इन संस्थाओं में बढ़ जाता है, तो एक निगरानी संस्था के रूप में, एक जो है सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन के रूप में लोकपाल और लोकायुक्त की जरूरत को महसूस किया गया और उसको सपोर्ट किया गया कि हाँ लोकपाल लोकायुक्त जैसी संस्था हमारे देश में होनी चाहिए। तो लोकपाल राष्ट्रीय स्तर की संस्था है और लोकायुक्त जो है वो राज्य स्तर पर काम करती है, तो यहां पर हम लोकपाल के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन लोकपाल लोकायुक्त का नाम एक साथ इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि वो जो एक्ट है लोकपाल लोकायुक्त एक्ट 2013, तो उसी कारण से हम इन दोनों का नाम एक साथ ले रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट रखिएगा कि हम जब यहां पर सीबीआई या सीबीसी के ऊपर निगरानी की बात करेंगे या उनके एडवाइजरी बॉडी की बात करेंगे या फिर इन संस्थाओं को प्राइमरी इंक्वायरी देने की बात करेंगे तो हम लोकपाल की बात कर रहे हैं। ठीक, एक और बात देखिए कि अब इन सब चीजों को देखते हुए कि भाई ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इन संस्थाओं का मेंटेन रहे, इनका जो रोल है एडवाइजरी रोल है या इनका जो इन्वेस्टिगेटिंग रोल है वो और अच्छे ढंग से हो सके, ये जो सीबीआई के ऊपर जो ये आरोप लगाते लगना शुरू हो गया था कि भाई ये तो सरकार का जो है केज्ड पैरोट की तरह है कि जहां सरकार चाहती है केंद्र सरकार वहां इस्तेमाल करती, तो इन्हीं सब चीजों से जनता का भरोसा जो है कमजोर पड़ रहा था सरकार के प्रति, तो इसीलिए सरकार को अपना एक भरोसा कायम करने के लिए कि देखो हम प्रधानमंत्री तक को लोकपाल के दायरे में ला सकते हैं, जो अभी 2013 का जो लोकपाल लोकायुक्त विधेयक है उसमें प्रधानमंत्री भी उनके दायरे में आते हैं, तो लोकपाल जो है ये प्रधानमंत्री की भी जांच कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ शर्तें हैं वो डिटेल में देखेंगे अपन, कि जैसे एटॉमिक एनर्जी हो गया, स्पेस हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, है ना, देश की सुरक्षा, ऐसे कुछ मामलों को छोड़कर प्रधानमंत्री भी इनकी जांच के दायरे में आते हैं, तो इन सब चीजों से क्या हुआ कि भारत के
केंद्रीय प्रशासन के प्रति जनता में विश्वास बढ़ना शुरू हुआ। तो लोकपाल के गठन के पीछे ये भी एक कारण है कि लोकपाल प्रधानमंत्री तक की जांच कर सकते हैं, केंद्रीय मंत्रियों की जांच कर सकते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जांच कर सकते हैं, तो भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखने में मदद मिलेगी। इसके अलावा सीबीआई, सीबीसी इन संस्थाओं को भी ये निगरानी कर सकते हैं, प्राइमरी इंक्वायरी के लिए कह सकते हैं, और इससे उनको सपोर्ट भी मिलेगा और उनकी स्वतंत्रता भी बढ़ेगी। तो इन सब कारणों से जो हमारा लोकपाल जो संस्था है ये काफी महत्वपूर्ण हो गया है, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि लोकपाल जो ऑर्गेनाइजेशन है ये और मजबूत होगी। हाँ, ये अलग बात है कि लोकपाल संस्था को संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल आधार नहीं दिया गया है, लेकिन ये वैधानिक स्वरूप की संस्था है। यानी अगर आपको कोई पूछेंगे कि लोकपाल लोकायुक्त जो संस्था है ये किस तरह की संस्था है, क्या ये संवैधानिक है, तो आप बिल्कुल भी मना कर सकते हैं कि नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये केवल एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। क्यों? क्योंकि जैसे लोकपाल है तो लोकपाल तो केंद्रीय स्तर पर होता है, तो कैसे बना? तो संसद के दोनों सदनों में, यानी राज्यसभा में, लोकसभा में इसे पारित किया गया और राष्ट्रपति की सहमत ली गई। तो ये एक स्टैट्यूटरी यानी कि एक सांविधिक या वैधानिक संस्था है। इसी तरह से लोकायुक्त, तो लोकायुक्त राज्यों में होता है और राज्यों में, विभिन्न राज्यों में जो लोकायुक्त संस्थाओं का गठन किया गया है राज्यों की विधानसभा में, और जहां पर विधानसभा के साथ यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद है, तो दोनों सदनों में और राज्यपाल की सहमति से कई राज्यों में लोकायुक्तों का भी गठन किया गया है। तो इस तरह से आपको एक जानकारी यहां पर मिल जाती है कि लोकपाल भारत में किस तरह से आया। नंबर टू, आपको जानकारी मिल जाती है कि लोकपाल विधेयक, लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2013 पारित होने में इतनी देर क्यों हुई। आपको यहां जानकारी मिल जाती है कि लोकपाल एजेंसी का गठन इतने समय बाद, यानी विधेयक के पारित होने के लगभग 4.5 या 5 साल के बाद ये बना। फिर आपको एक मैंने संक्षेप में बता दिया कि वर्तमान में जो लोकपाल हैं वो है पिनाकी चंद्र घोष जी। इसके अलावा आपने ये भी देखा कि इसका जो मोटो है ये ईसोपनिषद से लिया गया है, मा गृध कस्य स्विद्धनम, तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा इसके जुडिशियल मेंबर और नॉन जुडिशियल मेंबर के बारे में भी हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक, अब अगली क्लास में हम आपसे बात करेंगे कि लोकपाल की नियुक्ति किस तरह से होती है, लोकपाल के जो ज्यूरिसडिक्शन में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, उनके पावर्स क्या हैं, और उनकी रिपोर्ट के बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।